तो हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले तो तुम लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था कि पिछले व्लॉग में हमारा स्टूडियो अपग्रेड का सेकंड व्लॉग जो था, जिसमें मैं इतनी सारी चीजें उठाकर लेकर आया था, वो सारी की सारी मैं लगाऊंगा, कैसे अपना स्टूडियो अपग्रेड कैसे करूंगा, तुम लोगों को देखना था। और आज वो दिन आ चुका है, हमारा ये व्लॉग नंबर 3 है स्टूडियो अपग्रेड का। और इसमें मैं तुम लोगों को एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि मैंने ये सारी की सारी चीजें कैसे लगानी है। जो कुछ भी मैं खरीद कर लेकर आया हूं, जितनी सारी चीजें खरीद कर लेकर आया हूं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा 19,000 समथिंग समथिंग कुछ खर्चा हुआ है ये सारी की सारी चीजें खरीदने में और इस स्टूडियो को कंप्लीट अपग्रेड करने में। बहुत सी चीजें पहले से हैं, जैसे ये जो बैकग्राउंड पर तुम्हें साउंड अकॉस्टिक फोम लगे हुए, मरीजों को लिटाने के लिए गद्दे हैं इनके, ये जो बने हुए ना, ये जो बने हुए इन पर जो क्या बोले इनको, जो नोके बनी हुई है, ये मरीजों के लिए होती है कि उनको बेड सोर्स वगैरह ना हो। तो ये एक इजी जुगाड़ है कि मुझे ये 1800-1900 रुपए में मिल जाता है, वरना साउंड अकॉस्टिक फोम 1 फिट बाय 1 फिट भी तुम लोग जानते हो कि 2000-3000 रुपए का मिलता है सिर्फ नाम की वजह से। तो ये जुगाड़ मैंने सारे तुम लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाए थे। अगर व्लॉग नंबर 2 तुम लोगों ने नहीं देखा तो वो लाजमी जाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या चीजें खरीदी हैं और क्या क्या चीजें मैं लगाऊंगा इस वाले व्लॉग में, व्लॉग नंबर 3 में। अच्छा दोस्तों, आज मेरी हालत को बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि आज मैं बनने वाला हूं बिल्कुल भंगी, बहुत बुरी हालत कर लूंगा। और ये समझना कि झाड़ू भी मैं कर रहा हूँ, पोछा भी मैं लगा रहा हूँ, सब कुछ मैं करूंगा आज। तो तुम लोग मुझे आज सब कुछ करते हुए देखोगे। मुझे यार ये झाड़ू पोछे वाले काम है ना, इन सारे कामों में काफी मजा आता है, बचपन से ही मैं खुद करता हुआ आ रहा हूँ सारे के सारे काम। तो बेसिकली तुम लोग मुझे आज हर चीज करते हुए देखोगे। सबसे पहले दोस्तों, तुम लोगों को मैं अपने इस स्टूडियो की हालत अभी दिखाता हूँ कि अभी हालत क्या बनी हुई है। देख सकते हो तुम लोग दोस्तों क्या हालत बनी हुई है भैया इसकी, देखो ये सारा सामान पीछे पड़ा हुआ है और ये सारा का सारा सामान मुझे आज लगाना है और सफाई वगैरह भी करनी है। देख सकते हो पीछे कितना ज्यादा गंद हो रहा है और कारपेट वगैरह भी बिछाना है। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर वंप्यूटर, ये जो तुम लोगों को कंप्यूटर नजर आ रहे ना, ये तो हमारा अपग्रेड हो जाएगा 25-26 तारीख को। मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब की पेमेंट आएगी और फिर मैं कंप्यूटर भी अपग्रेड करूंगा। मेरा बजट यार 3 लाख से लेकर 3,50,000 तक का मैंने बना लिया है। तो तुम लोगों को अब अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस तरह का कंप्यूटर बनाऊंगा। भैया बेस्ट कंप्यूटर बनाने हम लोगों ने, बहुत ही आला कंप्यूटर बनाना है। देखते हैं 460, 470, 480 या 490 कौन सा ग्राफिक्स कार्ड मैं लगा पाता हूं उसमें 3,50,000 के बजट में। तो दोस्तों तुम लोगों ने मुझे गेमिंग करते हुए देखा है, तुम लोगों ने मुझे मॉडिंग करते हुए देखा है, तुम लोगों ने मुझे व्लॉगिंग बनाते हुए देखा है और अब तुम लोग मुझे देखो झाड़ू मारते हुए कि मैं झाड़ू कैसी मारता हूं, सफाया कर दूंगा बिल्कुल कचरे का। अब जिन जिन को दोस्तों मेरी ये झाड़ू मारने की स्किल्स पर ट्रस्ट नहीं है ना, देखो मैंने कितना कचरा जमा कर लिया है। देखो ये देखो ये देखो कितना सारा कचरा मैंने जमा कर लिया। अब इसको डालता हूं मैं अपने गुलाबी स्क्रैपर में। चल बेटा अंदर जा, ये कचरा गया सारा अंदर। अब ये है हमारे पास फोम, इस फोम से ये जो पीछे की जो हमारी विंडो है ना, इसको मैंने करना है बिल्कुल साउंड प्रूफ। इसमें से बहुत ज्यादा शोर आता है और नीचे एक मैकेनिक बैठ के गाड़ियों के लोहे को ठोकता रहता है, ठोकता रहता है, ठोकता रहता है। तो तुम लोगों को मोस्टली मेरी वीडियो में पीछे ठक 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 की आवाज आती रहती होगी। तो इस विंडो को हम लोग इस फोम से करेंगे साउंड प्रूफ बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ये आ गया फोम और ये है वो सुपर ग्लू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिम्सा या एलपी जो भी तुम लोग बोल लो, सुपर ग्लू है बस ये, जो कि इंस्टेंटली चिपका देती ना, वो हो गई और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। इसके अलावा ये कटर आ गया और इसके अलावा ये बड़ा सा मैंने स्केल ले लिया है। अब इसको मैं सबसे पहले तो यहां से बिल्कुल कट कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास बन जाए। ये कटर से मैंने इसको कट कर लिया, बहुत इजीली कट हो जाता है। अब यहाँ पर लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटूंगा, देख सकते हो ये पहले भी मैंने काट के रखी है, ऐसी मैं सारी की सारी स्ट्रिप्स इसकी काटूंगा और इसको फिर खिड़की में लगा दूंगा। और ये दोस्तों हमारी लास्ट स्ट्रिप भी कट चुकी है, सारा कचरा संभाल लेंगे क्योंकि कभी भी कोई भी चीज काम आ सकती है। बाकी ये सारी की सारी स्ट्रिप्स मैंने काट दी, अब ये सारी की सारी स्ट्रिप्स मैं लगाऊंगा अपनी खिड़की में और उसको करूंगा साउंड प्रूफ। विंडो है, इस पर मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं कैसे लगाऊंगा। यहां पर ये विंडो है, इसको मैं फॉर एग्जांपल खोलूं या बंद करूं ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्से पर मैं लगा दूंगा, विंडो के साथ लगाऊंगा इस फोम को। इससे क्या होगा कि जब ये बंद होगी खिड़की तो ये फोम उसका एक तरह से ये समझो कि रेजिस्टेंस बन जाएगा आवाज के लिए और ये मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज बन जाएगी, आवाज अंदर इतनी अच्छी नहीं आएगी, बहुत ही हल्की आवाज आएगी अगर आएगी भी तो, क्योंकि फोम उसे रोक लेगा।
दोस्तों यहां पर अब तुम लोग देख सकते हो मैंने सारा का सारा इस पर फोम लगा दिया पूरी खिड़की पर, और आवाज भी अब देख सकते हो बाहर का शोर बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्कुल सील हो चुकी है ये खिड़की। और हाँ दोस्तों एक और चीज तुम लोगों को दिखाता हूँ आज के व्लॉग में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मैंने खरीदा है एक मैनिकिन, मैनिकिन यानी पुतला, पुतला मैं उसको इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ये देख सकते हो ये है वो पुतला। ओए पुतले हिल के दिखा, हिल हिल हिल, ओए ओए हिल हिल। ये देखो दोस्तों ये तुम लोगों की वीडियो जिसका तुम लोग पूछते रहते हो कि ये वीडियोस क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता। भाई बता दे भाई क्यों वीडियोस नहीं बनाता तू यार। मेरे अंदर ना बहुत बड़ी चुल है इतनी। एक मिनट रुक, माइक करीब करके बोल। हाँ अब बोल। मैं इंटरव्यू देने आया हूँ आज। हाँ। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। नहीं बात ये नहीं है, मैं मेरे अंदर बहुत बड़ी चुल है, इतनी नहीं इतनी बड़ी, बहुत बड़ी के हाँ इतनी के तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मैं थोड़े टाइम वीडियोस बनाता हूँ फिर मैं उगता आ जाता हूँ, क्योंकि असल में एडिटिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो मेरे पास कोई एडिटर नहीं था, मेरी हालत ख़राब हो गई। हर दिन जाके एडिट करके वीडियो फिर अपलोड करना, ऊपर से फिर गेम वेम खेलना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। बनाऊंगा मैं आगे। नहीं गाइस, अबे भाई ये ढीला है, बिल्कुल ढीला है ये, इसको बस वीडियोस वगैरह बनानी नहीं होती है, इसको पूरा दिन गेम खेलता है, पूरा दिन लिटरली गेम खेलता है ये, पूरा दिन बता पूरा दिन खेलता है ना भाई। देखो ये वीडियो बनाकर नहीं डालता, इसका ये मसला है। मैं बताता हूँ, ऑनलाइन गेम रेगुलर बेसिस पे खेलता हूँ मैं, मोबाइल लेजेंड्स। हाँ सही, वो खेलो मेरे साथ मोबाइल लेजेंड्स, खेलो इसके साथ, ऐड करो मुझे। सही है भाई, ऐड करो इसको। वैसे तो ये झूठ बोल रहा है सारा कुछ, सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये वीडियो बना सकता है लेकिन फिर भी नहीं बनाता। तुम लोग पूछते हो ना कमेंट में, आज मैंने इस वजह से बता दिया भाई ये है इसका सिनेरियो, देख लो समझ लो क्यों वीडियोस नहीं बनाता ये। बनाऊंगा तुम लोगों के, बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा एक साथ, 10-15 वीडियो बना के रखूंगा फिर एक साथ अपलोड करूंगा और मजा आ जाएगा तुम लोगों को। हां बस एक ही साथ ये राजा बनेगा, राजा बनूंगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा फिर, बहुत सारा। तुम लोग ना बहुत ज्यादा शेयर करना फिर। सही है भाई, बहुत ज्यादा शेयर करेंगे। तुम लोग पहले इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ मेरे पार्ट ना, तुम टाइम जो क्लिप जो होती है वो पार्ट का बताना, अगर तुम लोगों ने बताया तो फिर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। क्या क्लिप का पार्ट बताना मतलब मैं आया हूं तुम लोगों ने मुझे देखा है। हाँ, ये लाजमी तो बताना भैया, ओपी ड्यूड को तुम लोगों ने देखा है फिर ये वीडियोस वगैरह बनाया। हां सही हो गया भाई, हो गया शाबाश, जा रहा हूं मैं। अब दोस्तों देख सकते हो रूम की हालत क्या हो रही है, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। और अगर मेरे हाथ भी तुम लोगों को नजर आए, अगर ये फोकस कर पाए क्योंकि मैं बैक कैमरा से बना रहा हूं, मुझे पता नहीं है कैसी वीडियो बन रही है, तो मेरे हाथ भी देखो कैसे हो गए। ये जो मैंने काम किया ना अभी, जो खिड़की का काम किया है, इसकी वजह से ऐसे हाथ हो गए क्योंकि जैसी बात है काफी मिट्टी वाला काम था और सुपर ग्लू का काम था, तो चिपक गई मिट्टी भी चिपक गई हाथ में। तो बेसिकली अब मैंने क्या करना है, मैंने ये जो साउंड एकॉस्टिक फोम है ना, ये जो मेरे पीछे तुम लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने दीवारों पर लगाने। एक मैं लगाऊंगा मेरे ख्याल में इस दीवार पर लगाऊंगा, ये जो कपड़ों के पीछे दीवार है ना इस पर लगाऊंगा, ताकि बिल्कुल ये सामने हो मेरे कंप्यूटर के, यहां पर कंप्यूटर हो और यहां पर साउंड एकॉस्टिक फोम वगैरह लगे हो। तो मुझे फायदा क्या होगा उससे कि साउंड जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, दीवार से टकराकर वापस नहीं आएगा, फोम एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक मैं यहां पर लगाऊंगा, ये जो जगह है ना, ये जो पीछे नजर आ रही है तुम्हें, इस जगह पर मैं इस वजह से लगाऊंगा ये, क्योंकि यहां से ना मैंने दीवार में सुराख करके लैन की तार अंदर लेकर आनी है और वो कंप्यूटर में फिर लगानी है। तो इधर साउंड एकॉस्टिक फोम लगाकर उसको जो है छुपा दूंगा दीवार में सुराख करके, क्योंकि जरा सी बात है वरना सुराख नजर आएगा। और इसके अलावा कहां लगाऊं, हां ये जो बटन वाला एरिया है ना, ये भी थोड़ा और कवर कर दूंगा। ये कंप्यूटर के साथ वाला जो एरिया, ये भी मैं थोड़ा और कवर कर दूंगा। और फिर देखते मेरे रूम का कैसा जो है साउंड वगैरह होता है, साउंड क्वालिटी मेरे ख्याल में बहुत आला हो जाएगी मेरे रूम की। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो ये फोम, मैंने साउंड एकॉस्टिक फोम जो यहां पर पड़ा हुआ था उसको मैंने टेढ़ा करके रख दिया है। इस पर मैं लगाऊंगा शू एडहेसिव यानी शू ग्लू, ये देख सकते हो सिमेंटिक्स है, पाकिस्तान में ये मिल जाती है, इंडिया बांग्लादेश का पता नहीं है, लेकिन ये सीमेंटिंग सॉल्यूशन यानी ये समझो कि ये रबड़ वगैरह हर चीज़ को चिपकाने के लिए होता है, मोस्टली जूतों के लिए ही यूज़ की जाती है, येलो कलर की जो ग्लू होती है ना वो वाली है ये। और इसको लगाना कैसे वो भी इस पर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बेसिकली मैं ये एक उस कोने पर एक बीच में यहाँ पर, एक 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 वहाँ पर, एक वहाँ पर, ऐसे इसके ना डॉट्स लगा दूंगा और फिर इसको दीवार पे चिपका दूंगा। ये मैं डॉट्स सिर्फ इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये जो रूम है मेरा, जो स्टूडियो है, ये मेरा घर जो है ये किराए का है, तो मुझे कभी भी उतारना पड़ सकता है। इस वजह से जो है मुझे ये ऐसे लगाना पड़ेगा कि मैं बहुत ईजिली इसको उतार दूँ। तो ज़्यादा इस पर सीमेंटेक्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, थोड़ी सी लगाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जगहों पर लगाऊंगा, सिर्फ डॉट्स लगाऊंगा और इसको दीवार पर डायरेक्ट चिपका दूंगा।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये फोम तो पूरा लग चुका है, लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों भंड भी बहुत होते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ भंड क्या हुआ। ये देखो सिमेंटेक्स ना, ये शू ग्लू, शू एडहेसिव नीचे गिर गया है और नीचे से उठा उठा के मैंने फोम पर लगाया है, तो ये पूरा का पूरा लग चुका है। बेसिकली करना ये होता है, जैसे मैंने इसके पीछे लगाया था ना सिमेंटेक्स, वो मैंने दीवार पर थोड़ा सा टॉप से चिपका दिया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने साइडों पर ना इसके जहां जहां ग्लू लगी हुई थी, वो दीवार पर जहां निशान है वहां मैंने थोड़ी सी और जो है ये सिमेंटेक्स और लगाई और फिर इसको जो है चिपका दिया। अब मैं ये बाकी सारे भी लगाता हूँ, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लगता है पूरा का पूरा रूम। तो फाइनली दोस्तों साउंड एक्रिस्टिक फोम सारे के सारे लग चुके हैं और मेरी हालत देख सकते हो तुम लोग क्या हो चुकी है। और तुम लोग देख सकते हो ये जो पीछे तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये भी मैंने एक साउंड एक्रिस्टिक फोम ये वाला लगा दिया, ये जो साउंड एक्रिस्टिक फोम है ये लगा दिया। और इसके अलावा मैंने कंप्यूटर के पास ये जो है यहाँ पर भी साउंड एक्रिस्टिक फोम लगा दिया। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो पीछे जगह नजर आ रही है जो खाली थी, इस जगह पर भी मैंने साउंड एक्रिस्टिक फोम लगा दिया। इसके अलावा यहाँ पर भी है साउंड एक्रिस्टिक फोम और इसके अलावा यहाँ पर भी है साउंड एक्रिस्टिक फोम। और देख सकते हो तुम लोग खिड़की से बाहर अगर देखोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल शाम हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मैं लगा हुआ हूं और अभी शाम के तकरीबन 5:30 हो चुके, 6 बजने वाले हैं और अब जाकर तकरीबन ये सारे के सारे साउंड एक्रिस्टिक फोम्स लगे हैं। अभी दोस्तों यहां पर देख सकते हो ये वाला जो साउंड एक्रिस्टिक फोम है, ये पूरी शीट अभी मेरे पास बची हुई है और इस शीट से मैंने बनानी है साउंड एक्रिस्टिक शील्ड। ये जो मेरे पास है ना, ये जो शील्ड है जो कपड़े की मैंने पहले बनाकर यूज कर रहा था, ये वाली शीट अब मैं बनाऊंगा साउंड एक्रिस्टिक फोम से, इस पूरी शीट से बनाऊंगा और ये बहुत बेहतरीन बन जाएगी। और कमरे की हालत तुम लोगों को मैं दिखाऊं तो देख सकते हो यार क्या बुरी हालत हो रही है यार पूरे कमरे की। तो फटाफट मुझे अब ये जो है साउंड एक्रिस्टिक शील्ड बनानी होगी। पीवीसी के पाइप पड़े हुए हैं, पीवीसी के पाइप से साउंड एक्रिस्टिक शील्ड बनाऊंगा और फिर जो है कारपेट वगैरह बिछाएंगे, सारी सफाई वगैरह करेंगे और पूरा हमारा स्टूडियो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, बहुत पहले से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, वो इस दुम्बे को पहचानते होंगे। ये जो दुम्बा तुम लोगों को नजर आ रहा है, दुम्बे हेलो बोल। हेलो, ये दुम्बा आज आया है, इसको मैंने बुलाया था 4 बजे के मेरे साथ मदद करवा दे, काम करवा दे। और तू कितने बजे आया? 4:05। ये जरा बाहर देखो, जरा खिड़की से बाहर देखो, 4:05 बज रहे हैं या फिर अंधेरा हो गया? बिल्कुल झूठ बोल रहा है दुम्बे तू, ये 4:05 हो रहे हैं। 4:10 हो गए होंगे, 4:10 पर अंधेरा हो जाता है, कौन सी दुनिया में बेटा तू। खैर बहरहाल ये बहुत लेट आया है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने लास्ट काम ये करना है कि अभी हमने बनानी है साउंड एक्रिस्टिक शील्ड और फिर उसके बाद कारपेट बिछाऊंगा। साउंड एक्रिस्टिक शील्ड ये जो है ना, ये क्या, नहीं कोई निकनेम नहीं है उसका, साउंड एक्रिस्टिक शील्ड बनाएंगे और कारपेट बिछाऊंगा, उसके बाद हमारा स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर तुम लोगों को कंप्लीट स्टूडियो दिखाऊंगा, क्या कर रहा है नहीं करना अबे यार गंदा है ये। फिर तुम लोगों को कंप्लीट स्टूडियो दिखाऊंगा कि कैसा बना है। तो दोस्तों ये पीवीसी की पाइप मैंने 3-3 फिट के कटवाए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 3 फिट का साइज है और इसमें ये आ गई एल्बो। एल्बो मैं पहले यहाँ पर एक अटैच करूंगा, एक एल्बो यहाँ पर लगाई, फिर इसको मोड़ूंगा और सेम जगह पर एल्बो सेम एंगल पर यहाँ पर लगा दूंगा। ये 2 एल्बो लग गई, इसकी पोजीशन बिल्कुल सीधी कर दूंगा, ये सीधी हो गई पोजीशन। इसके बाद मैंने एक और पाइप उठाना है और यहाँ पर पाइप अटैच कर देना है, ये पाइप अटैच कर दिया। इसके साथ फिर ये दूसरा पाइप भी यहाँ पर अटैच करना है, ये मैंने इसके साथ दूसरा पाइप अटैच कर दिया, ये दूसरा पाइप अटैच हो गया। ये देख सकते हो ये बन चुका है एक तरह से पूरा शील्ड का ऊपर वाला स्ट्रक्चर। अब ऐसा ही नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाना है, मैं तुम लोगों को कंप्लीट बनाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों सेकंड डे है, कल का मैंने पूरा दिन लगाया, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर भी सारा कंप्लीट नहीं हुआ। देख सकते हो क्या हालत हो रही है अभी स्टूडियो की, बहुत ही बुरा हाल है, सारा कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन आज ही आज में ये मेरे ख्याल में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
गाइस फाइनली काम तो सारा कंप्लीट हो गया, सारे साउंड एक्यूस्टिक फोम भी लग गए, खिड़की का भी काम हो गया, पर्दे वर्दे का भी काम हो गया, ये मिरर तक का लग गया। अब सिर्फ हमने कारपेट बिछाना है, पीछे वहां मैं कपड़े टांगूंगा और ये जो एलईडी लाइट रिंग लाइट जो बची है बस ये फाइनली लगाऊंगा और मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। फिर तुम लोगों को कंप्लीट टूर देता हूं कि स्टूडियो बना कैसा है, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है इसका। तो दोस्तों फाइनली थर्ड डे है, हमारे स्टूडियो कंप्लीट होने ही वाला है, सब कुछ तकरीबन हो गया। अब यहां पर तुम लोगों को ये जो बाउंड्रीज नीचे नजर आ रही है ना, जितनी भी मेरी ये कारपेट के नीचे वाले हिस्से में बाउंड्रीज हैं, इन सारी बाउंड्रीज पर ये जो कारपेट पड़ा हुआ है, ये जो टुकड़े बचे हैं, इनको काट के मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा और बहुत बेहतरीन लगेगा। फिर हमारा स्टूडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मुझे यहां पर बस कपड़े टांकने हैं और क्या करना है, और सामान लाकर वापस सारा रखना है और फिर तुम लोगों को ये दिखाऊंगा कि मेरा स्टूडियो पूरा बन चुका है। और दोस्तों इसी के साथ ये फाइनली मैंने जो ये बाउंड्रीज वगैरह लगा ली हैं, सारी की सारी बाउंड्रीज देख सकते हो, सारी की सारी मैंने बाउंड्रीज लगा ली है। इसी के साथ 3 दिन की मेहनत के बाद, 3 दिन मैंने रेगुलर मेहनत की है, फिर जाकर मेरा ये पूरा स्टूडियो कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है मेरा ये पूरा का पूरा स्टूडियो, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और इसमें अब आवाज वगैरह भी बहुत जबरदस्त आएगी, क्योंकि जैसी सी बात है साउंड एक्यूस्टिक फोम मैंने पूरे भर दिए हैं और इसके अलावा मैंने कारपेट भी बिछा दिया है, पीछे अभी कपड़े वगैरह भी टांकने और भी बहुत सारी सेटिंग्स करनी है, चीजें लाकर यहां पर रखनी है। और हां, ये जो बैकग्राउंड है ना, ये जो बैकग्राउंड है पीछे, ये जो मेरे बैकग्राउंड नजर आता है ये वाला, इसका मैं सोच रहा हूं कि इसकी जगह कुछ करते हैं, कोई कुछ चीज ढूंढते, कोई जुगाड़ ढूंढते, कुछ बहुत बेहतरीन लगे। मैं ये सोच रहा हूं कि कुछ नियॉन टाइप का कुछ पीछे लगाऊं ताकि बहुत जबरदस्त लुक आए पीछे। तो आइडियाज दो मुझे कमेंट में कि मुझे पीछे वहां मुझे क्या करना चाहिए, बस वो मुझे आइडिया दो। और इसके अलावा बाकी ये कंप्लीट डिटेल का इसका स्टूडियो टूर मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी मेरी हालत डाउन हो गई है। दरसी बात है, वाट लग गई है, 3 दिन से रेगुलर में काम कर रहा हूं, मेरी कमर की जान निकल गई है बिल्कुल। सारा काम तुम लोगों ने देखा, खुद अकेले किया है तो जारी सी बात है, बड़ा मुश्किल काम था।
तो यार बकायदा यार सबसे पहले तो तुम लोगों को थैंक यू बोलूंगा यार, इतने इतने इतना इतना शिद्दत से मेरे साथ चिपके रहने के लिए, इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम सब लोगों की वजह से जो मैं इतना कुछ ये कर पाऊँ, ये पाया हूँ, ये जो इतना अच्छा स्टूडियो तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये जो मैंने बनाया है, ये सब तुम लोगों की वजह से है। तो यार थैंक यू वेरी मच, तुम सब लोगों को बहुत 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 शुक्रिया यार। और ऐसे ही सपोर्ट अपना बना के रखो, ऐसे ही मेरा साथ देते रहो, तो हमारा चैनल ये जो है, क्योंकि जहर सी बात है मैं बोलता हूँ यार, ये हम सबका चैनल है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की कम्युनिकेशन वगैरह होती है, हम लोग कमेंट्स पर बातचीत करते हैं, ऐसे कोई भी यूट्यूबर्स और उसके सब्सक्राइबर्स का कनेक्शन है ही नहीं। हम लोग एक तरह से सब्सक्राइबर्स और यूट्यूबर का कनेक्शन नहीं, हमारा हमारी दोस्ती है सबकी। क्योंकि जहर सी बात है एक एक बंदे से मेरी बहुत अच्छे से बातचीत होती है, हर बंदे को तकरीबन मैं जानता हूँ। हाँ ये होता है कि मैं कमेंट्स भूल जाता हूँ यार कि तुम लोगों ने लास्ट कमेंट क्या किया था, तो उसमें ये कर दिया करो कि यार कमेंट का ना, जब तुम लोग फॉर एग्जांपल कोई कमेंट लिखो तो उसमें अपना वर्जन जरूर बताया करो GTA 5 का, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम हो ना, जो स्टार्ट हुई प्रॉब्लम हो, किस मॉड के बाद स्टार्ट हुई, वो भी लाजमी बता दिया करो। क्योंकि जहर सी बात है मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है यार याद रखना कि तुमने लास्ट कमेंट क्या किया था। अगर तुम लोग वर्जन वगैरह नहीं बताओगे, अपना प्रॉब्लम एग्जैक्टली डिटेल में कमेंट नहीं दोगे ना, तो मैं जहर सी बात है गाइड नहीं कर पाऊंगा तुमसे। मैं पूछूंगा कि वर्जन कौन सा है, इतने में वीडियो, इतने में कमेंट वो बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि रोजाना के बेसिस पर 3000 कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो ये कर लिया करो कि यार कमेंट में वर्जन अपना लाजमी बताया करो, और थोड़ा पेशेंटली वेट कर लिया करो। अगर कमेंट बहुत ज्यादा नीचे चला जाए, रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो उस कमेंट को दोबारा से लिख के उसके नीचे लिख दिया करो कि मैंने ये लास्ट कमेंट किया था, इसका जवाब मुझे नहीं मिला, थक गया हूं यार मैं अभी बहुत, खैर इसका जवाब मुझे नहीं मिला तो इसका जवाब दे दो, तो मैं उसका प्रॉब्लम का सलूशन तुम लोगों को ढूंढ के बता दूंगा। क्योंकि बहुत तेजी से नीचे जाते हैं कमेंट्स, जहर सी बात है यार 3000 कमेंट्स एक दिन में आ रहे हैं, तो कितना तेजी से नीचे जाएंगे। तो ये कुछ होता है, और इसके अलावा मैं ये बता रहा था यार कि हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, दोस्त हैं हम लोग सारे के सारे। तो यार थैंक यू वेरी मच, तुम सब लोगों की वजह से ये हो पाया है। अभी 26 तारीख को हमारे पास यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी, मेरे ख्याल में 70 से 80 हजार रुपए आएंगे, तो मेरा बजट बन जाएगा 3 लाख से लेकर 3 लाख 50 हजार रुपए। और फिर हम लोग कंप्यूटर अपना बहुत आला अपग्रेड करेंगे, बेस्ट कंप्यूटर अपग्रेड करेंगे, वो भी पूरे व्लॉग्स वगैरह बनाकर दिखाऊंगा। और कल के व्लॉग में, कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों के, जब भी मेरी हिम्मत थोड़ी आती है, एनर्जी थोड़ी रीगेन करता हूँ, क्योंकि थक गया हूँ बहुत ज्यादा, हालत डाउन हो गई है, जैसी मेरी हालत थोड़ी बेहतर होती है, ये कंप्लीट अपने स्टूडियो का दोबारा से तुम लोगों को सही तरह से टूर दूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है यार, कोई भी मसला आता है तो कमेंट कर देना, कमेंट का मैं लाजमी जवाब दूंगा। फिर से थैंक यू वेरी मच, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो, बड़ी मेहनत से व्लॉग बना है, बड़ी मेहनत हुई है, लाइक जरूर कर देना यार, कोशिश करके 10 लाइक्स कर दो, बस इतने काफी है, ज्यादा डिमांड नहीं करूंगा यार, क्योंकि जहर सी बात है मुश्किल होता है ज्यादा लाइक करना, मैं जानता हूं तुम लोग वीडियो अच्छे से देख लेते हो, लाइक के बटन को क्लिक करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत, बड़ी साइंस लगती है उसमें लाइक के बटन को क्लिक करने में। इस वजह से तुम लोगों को सिर्फ बोलूंगा कि 10 लाइक्स कर दो, काफी है, ये टारगेट है तुम लोगों का। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, नजर आ रहा है अगर तुम लोगों को दिनूब, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लो, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रहा होता हूँ, तो वीडियो को रिवर्ट करता हूँ, रिवर्ट नहीं इनवर्ट मोड़ता हूँ, वीडियो को दूसरी तरफ कर देता हूँ। तो बेसिकली सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फिर से यार, बहुत सपोर्ट किया तुम लोगों ने, थैंक यू वेरी मच, हालत डाउन हो गई, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय।